आदर व सम्मान के योग्य हमारे हरियाणा के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हम अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दी। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूं। भाइयों एवं बहनों, हमारे वीरों का सदा से ही ये संकल्प रहा है कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने में प्रदेश के वीर सदा आगे रहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में सबसे ज़्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान इसी प्रदेश से है। प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों तथा भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों के प्रति अपना फर्ज निभाने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा बेटा बेटियों को 25,000 रुपये प्रति मास की पेंशन मिलती है। पिछले 45 महीनों में हमने 488 स्वतंत्रता सेनानियों की पोतियों को 2,48,00,000 रुपए से अधिक की कन्यादान के रूप में राशि दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भूतपूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की सालों से लंबित मांग को पूरा किया है। हमने हरियाणा में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का अलग से गठन किया है। ये देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए प्रदेश के शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रित परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया ग्रांट 50,00,000 रुपए कर दी है, जबकि पहले की सरकारों में केवल 20,00,000 रुपए ही मिलते थे। युद्ध, आतंकवाद या अन्य घटना के दौरान घायल सैनिकों को दी जाने वाली राशि में निशक्तता के आधार पर 15 गुना तक बढ़ोतरी की है। हमने वीरगति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 221 आश्रितों को विभिन्न विभागों में नौकरियां दी हैं, जबकि इससे पूर्व केवल 2 आश्रित परिवारों को ही सरकारी नौकरियां प्रदान की गई थी। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में 1.5 से लेकर 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है और इनमें भी वार्षिक वृद्धि की जाती है। राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में पढ़ रहे छात्रों की वार्षिक छात्रवृत्ति भी बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। हमने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवार्थ सैनिकों, अर्धसैनिक बलों को भी सुविधाएं दी हैं, बल्कि मातृभाषा हिंदी के सत्याग्रहियों और इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले प्रजातंत्र के प्रहरियों को भी 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी है। मैं प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था बनाने का पक्षधर हूँ जिसमें हर हरियाणवी को बराबर फलने फूलने का मौका मिले। जनता के आशीर्वाद से जब मैंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो मेरे सामने एक चुनौती थी। मेरी सरकार दूसरी सरकार से अलग कैसे हो? राजनीति में फैला भ्रष्टाचार व अपने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने वाले सिस्टम से अलग कैसे हो? ये सब सवाल मेरे सामने थे। सिस्टम बदलने का रास्ता कठिन था, लेकिन लक्ष्य साफ था। हम उस रास्ते पर चले जिसके परिणाम हमारे सामने हैं। आज हरियाणा आर्थिक तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका है। प्रदेश में हर नागरिक को आज अपना हक लेने के लिए किसी दबंग के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। प्रदेश का कमज़ोर, गरीब व आम आदमी भी आज तरक्की की रफ्तार में शामिल होने का सपना देख सकता है। सरकार का फायदा केवल दबंग लोग ही उठाते थे, इस कल्चर का प्रदेश में अब नामो निशान मिट चुका है। किसानों को फसलें खराब होने पर चिंता मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। बागवानी फसलों के लिए देश में पहली बार भावांतर भरपाई स्कीम लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 140 क्रॉप क्लस्टर में 340 गांव को बागवानी गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हर खेत को पानी उपलब्ध करवाने तथा बूंद बूंद पानी का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्रणाली के सुधार की दिशा में सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं। हमने दक्षिण हरियाणा के ऐसे ऐसे चैनलों पर पानी पहुंचाया है जिनमें पिछले 30-40 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा था। पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों,
हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग हैं। हमने बिचौलियों के माध्यम से चल रहे गोरख धंधे को काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, चाहे वे सरकारी नौकरियां दिलवाने में या लोगों के सरकारी कामकाज करवाने में दलाली करते थे या बदलियों में पैसा खाते थे। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में भी और छात्रवृत्तियों में भी भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। ये हम ही नहीं, सर्वेक्षण भी कह रहे हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ द्वारा किए गए सर्वेक्षण की 11वीं रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार में 31% तक रोक लगी है। भाइयों और बहनों, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को हर महीने 100 घंटे काम देने के लिए सक्षम युवा योजना शुरू की गई। इसके तहत लगभग 45,000 से अधिक युवाओं को मानद कार्य प्रदान किया गया है। इससे युवाओं में स्वाभिमान और आत्मविश्वास बढ़ा है। युवाओं का कौशल विकास करने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया गया है। जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में हरियाणा में अधिकतम अप्रेंटिस लगाए गए हैं। प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के संकल्प को साकार करने, लाइन लॉसेज को कम करने तथा लोगों को बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित करने हेतु शुरू की गई महारा गांव जगमग गांव योजना के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इस योजना के तहत लगभग 2380 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा जिलों के सभी गाँव में तो 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। अन्य जिलों के गाँवों को 21, 18 व 15 घंटे बिजली दी जा रही है। बहादुरगढ़ से मुंडका मेट्रो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है। बदरपुर मुजस्सर रेल सेवा भी शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से सोना रोड तक तथा सोनीपत के कुंडली तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार की योजना है। फरीदाबाद के YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक इसके विस्तार का कार्य शुरू हो चुका है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को भी मेट्रो से जोड़ने की योजना है। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा पूंजी निवेश के लिए देश विदेश के उद्यमियों की पहली पसंद है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में हम 14वें स्थान से उत्तर भारत में पहले स्थान पर तथा देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले 45 महीनों में प्रदेश में 22,600 सूक्ष्म व लघु उद्योग तथा 182 मध्यम व बड़े उद्योग स्थापित किए हैं, जिनमें 1,67,000 लोगों को रोजगार मिला है। पिछले कई वर्षों से अधर में लटका रेल कोच फैक्ट्री का मामला अब मूर्त रूप ले रहा है। अगले महीने सोनीपत जिले के बड़ी गाँव में रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 484 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हमने वादे के अनुसार व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा आरंभ की गई है। GST के संग्रहण में देश में हम 5वें स्थान पर हैं। निर्यात के मामले में भी हरियाणा 5वें स्थान पर पहुँच गया है। मित्रों, हम प्रदेश में सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में जरूरी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुझे प्रदेशवासियों से ये बात साझा करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन का स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुभारम्भ हो रहा है। इस योजना को पायलट आधार पर प्रदेश के सभी 22 जिलों के एक एक सरकारी अस्पताल, एक ESI डिस्पेंसरी और एक मेडिकल कॉलेज में लागू किया जाएगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना व दीनदयाल जन आवास योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के तहत करीब 2.25 लाख रिहायशी मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। गुरुग्राम में प्रशासनिक सुधार एवं संस्थागत विकास के उद्देश्य से गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, ई कनेक्टिविटी सुविधा से युक्त 1783 ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 176 गाँवों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। गाँव में तालाबों के सुधार व विकास के लिए तालाब विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। गाँव के विभिन्न विकास कार्यों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर अब तक 4,370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर प्रदेश के 7 जिलों में अंत्योदय भवनों का शुभारंभ किया गया है। इन केंद्रों पर 22 विभागों की 179 अंत्योदय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है।
भाई और बहनों, खेलों की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हमने नई खेल नीति लागू की है। पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। गांव स्तर पर योग, व्यायामशालाएं तथा आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। अब तक 628 व्यायामशालाएं व योगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 18 अगस्त से आयोजित होने जा रहे 18वें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारत, विशेषकर हरियाणा के खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस बार हमारे खिलाड़ी पहले से ज़्यादा मेडल जीत कर लाएंगे। भाई और बहनों, मेरा कहने का भाव है कि हरियाणा ने पिछले 45 महीनों में अभूतपूर्व विकास का सफर तय किया है, किंतु ये एक पड़ाव मात्र है, मंजिल नहीं। अभी हमें विकास की नई नई मंजिलें छूनी हैं और ऐसा प्रदेश बनाना है जहां सब खुशहाल रहें, सब निरोगी हों, सब शिक्षित हों और युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हों। इसके लिए मैं प्रदेश के नागरिकों का आह्वान करता हूं कि वे हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।